हेलो, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हम भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आज फिर वही डेली रूटीन। तो आज हम स्पेशल आप बनाएंगे, क्या बताएंगे कि पीहू जब स्कूल से आती है ना, तो उसको फुल फॉर्म में कैसे आती है वो दिखाएंगे आपको, कैसे हेलमेट वेलमेट लगा के एकदम दौड़ दौड़ के भाग के आती है। लगता है कैसे घर में आऊँ, कैसे घर में आऊँ। बच्चे जैसे बच्चे जेल से छूटते हैं और आते हैं, वैसे ही बच्चों को लगता है घर में स्कूल से आने के बाद। हर रोज रात को बोलती है कल स्कूल नहीं जाना है, कल छुट्टी है। बच्चे चाय ओपी के टाइम हो गया तो लड़का भी चला गया ऑफिस, तो अभी जो डोसा बनाते हैं आपको दिखाते हैं। पहले इसमें तेल डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें पानी लेके छिट्टा मारेंगे इस टिशू से। देखिए ऐसे ऐसे पोंछेंगे पानी को ना, छिट्टा मार के फिर इसको टिशू से या कोई कपड़ा हो पतला उससे हम पोंछेंगे। अभी जैसे कपड़ा हो गया, इस कपड़े से भी पोंछ सकते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। अभी ये पोंछ देंगे तो आपको डोसा अच्छा बनेगा। फिर देखिए क्या मस्त डोसा बन रहा है। देखिए अब इसको थोड़ा सा साइड साइड में ना थोड़ा बूंद 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 ऑयल तेल डालेंगे थोड़ा सा। और जैसे इसके ऊपर में वो आ जाएगा ब्राउन ब्राउन होगा ना, तो फिर हम उसको पलटेंगे, प्याजी वाला बनाएंगे, प्याज वाला आज बनाएंगे, प्याज वाला। अभी इसके ऊपर हम प्याज डालेंगे, देखिए कर करा कर डोसा खाए हम। ये देखिए, ये देखिए, और यहाँ पर घी गर्म हो रहा है। घी को भी गरम करते तो बार बार चलाना पड़ता है थोड़ा। ये देखिए ये साइड साइड से ना उठने लगा, ये देखिए ये साइड साइड से अपने आप देखिए ऐसे होने लगा अपने आप। ये इसको वो करने से जो हम पहले तेल थोड़ा लगाए, फिर पानी का छिट्टा मारे, फिर उसको सुख पोछ दिए अच्छे से, उसके बाद डाले, उससे क्या हुआ कि ये अपने आप छोड़ रहा है। देखिए किनारा छोड़ रहा है, हम चिमटा से दिखा देते हैं। देखिए देखिए ऐसे, तो ये अपने आप छोड़ रहा है। ये हो गया डोसा तैयार। देखिए प्याजी डोसा हो गया तैयार। अब इसको ऐसे हम फोल्ड कर देंगे। देखिए ये हो गया, इसको हम निकाल देते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं। देखिए एक और बनाएंगे। इतना ही डोसा के लिए पतला रखेंगे, इडली के लिए गाढ़ा और डोसा के लिए पतला। पतला डालेंगे तो आपको पतला पतला डोसा बनेगा।
नाश्ता कर रही हूँ। आजी डोसा और चटनी। फिर से रूटीन शुरू हो गई। तो अभी देख लीजिए, अभी नाश्ता वगैरह करके अभी सब साफ सफाई स्टार्ट हो गई है। इतने सारे बर्तन अभी धोने हैं। अभी सब ये देखिए घी निकाली हूँ। घी निकालने का भी ना एक दिन आपको दिखाऊंगी। अभी छानी नहीं हूँ, थोड़ा सा गई उधर बाथरूम, तब तक ये थोड़ा लग गया नीचे। ये देखिए घी हो गया और ये सब साफ कर दी, सब साफ सफाई कर दी। ये देखिए बर्तन, इतने सारे बर्तन सब धुल गए, सब धो दी धीरे धीरे। कोई एक बार होता नहीं है, थोड़ा करती हूँ बैठती हूँ। मिडिल क्लास वाले को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ये बात तो आपको पता है ना। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, फिर भी सही तरीके से घर गृहस्थी चलाना मुश्किल होता है। घर में भी बहुत काम होता है। तो मुझे आज एक बात याद आया, तो मैं सोची बता देती हूँ आप लोग को। मेरी दादी बोलती थी, माँ भी बोलती थी, हम लोग को ऐसे ही बोलती रहती थी। मैं सोची आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मेरी दादी और माँ सब बोलती थी, नहिरा जो बेटी ससुरा जो, देहिया चला बेटी कतहूँ खो। मतलब कि मायके जा या ससुराल जा या कहीं भी जाओ, शरीर को चलाओ तो हल्का बन के रहो और अच्छे से खा मान सम्मान मिलेगा। अगर जाके कहीं बैठ गए तो कोई मान सम्मान नहीं देने वाला। तो नहिरा जा बेटी ससुरा जा, देहिया चला बेटी कतहूँ खा। याद आया तो बोल दी आपको। अभी पीयू आएगी ना स्कूल से, कैसे आती है गेटअप में तो वो दिखाती हूँ आपको। अभी पीयू नहीं है तो वीडियो बन रहा है, आती तो बोलती दादी बाय 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 बाय। तो आपको दिखाती हूँ और आगे। कैसे आ रही कैसे आ रही कैसे आ रही है। ये देख कैसे आ गई। पीहू आ गई, देखे ना पीहू कैसे आई। लथरते पथरते आ गई है। तो आज का वीडियो हम यही पर करते हैं समाप्त, और कल फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। मैं सोची इसके पूरे गेटअप पे दिखाऊंगी, लेकिन ये तो आई है अभी लथर पथर के, हेलमेट खोल के, तो इसीलिए अब अगले कल दिखाऊंगी आपको। ठीक है, बाय, फिर मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। तो शेयर सब्सक्राइब लाइक तो बनता है भाई।